दोस्तों, मन्नू वीर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और देखो, मैं बेंगलुरु के कैट में, तो कल शाम को आए थे, सुबह का टाइम है, पूरा काम कर लिया है, फिर सब कुछ ना भी लिए हैं, रेडी है एकदम। और जी जी खेत पर गई हुई है, मतलब कि तो आज गाँव में दोपहर में खाना बनाते हैं, सुबह नाश्ता वगैरह ऐसे कर लिए थे कुछ, जैसे कि मैगी वैगी बनाई थी और ऐसे वगैरह एप्पल्स वगैरह फल्स वगैरह कुछ भी जो भी है खा लिया था। तो और केले का सेक पी लिया था दूध पीले का। तो अब चलो, दोपहर का टाइम खाना बनाने का है, तो खाना बनाने चलते हैं ऊपर चूल्हे पर। चूल्हे पर रोटी बनाएंगे, बनाइए, ताकि वहाँ पे चूल्हे पे आपको पता है कि सब्जी तो थोड़ा मतलब, और हम फैमिली ज़्यादा भी नहीं है तो इसलिए, पर हम गैस पे भी खाना बना सकते हैं, पर जो काका जी हैं मतलब जो ससुर जी हैं उनको गैस की रोटी पसंद नहीं है। तो चलो चलते हैं चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए। जी जी है वहाँ पर जो चूल्हा चला रही है, तो चलो ठीक है चलते हैं। ऊपर छत पर बना दे, ऊपर छत पर है रसोई, दो रूम एक रसोई। पढ़ को चलो ले आ, पढ़ जाओ। मैं सीख लूंगी से यहाँ पढ़ जाऊँ। तो फ्रेंडो, आप देख ही लेते अभी कि चूल्हा है जो मेरा जीजी ने जलाया था, क्योंकि ऊपर किचन ऊपर रसोई है चूल्हे वाली, तो उन्होंने सोचा था मैं जला देती हूँ, मैं सही नहीं मुझे कपड़े वपड़े जल गया है, इसी तरह डर लगता है उनको। ऐसे बन गया मैं तेरा दीवाना, मंजूर है ये दूरियां, कैसी अब बंदिशें, अब कैसी ये मजबूरियां, दोनों का एक है फसाना, बन गया मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुरा। देखो दोस्तों, बाहर का व्यू कितना प्यारा है, मैं खाना बनाती तो बदल हो रहा है और हवा कितनी तेज चल रही है, पेड़ वगैरह तो ये है मतलब। तो अब हम शाम को टाइम बनाने वाले हैं पकौड़ी, वो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पकौड़ी बनाएंगे आज,
जीजी बोल रही है कि है ना पकौड़ी बनाना आज की है ना, पिछली बार आई थी ना मैं रक्षाबंधन पर, तो मैंने पकौड़ी बनाई थी तो जीजी को बहुत अच्छी लगी थी, तो बोल रही थी अब की बार भी वैसी पकौड़ी बना, तो वैसी पकौड़ी बनाने वाली हूँ मैं फिर से। भैया को सामान लेने के लिए भेजा है, भैया सामान लेने गए और अब मैं चाय बना रही हूँ। मैंने चाय तो पहले बना ली थी पर जीजी चली गई थी, तो मैंने इसलिए मैंने उसको अब गर्म किया है वापस से और मैं चाय को अच्छा सबने पी लिए और एक वीर जी के लिए और एक जीजी के लिए, दोनों के लिए बस ले चलती हूँ मैं इनको। पकौड़ी खाएंगा आप दही के साथ, पकौड़ी बना लिए। देखो फ्रेंडो मैंने पकौड़ी आपको बोल रही थी मैं पकौड़ी बनाने वाली हूँ, जीजी को पकौड़ी पसंद है बहुत, तो मैंने देखो पकौड़ी बना ली है, इसमें डालती है एक प्रकार की और एक इतनी बनाई है, हम इतने फैमिली मेम्बर हैं इतने खाते हैं तो ज़्यादा नहीं बनाई है, तो बन गई है पकौड़ी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ सपोर्ट करना ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आएँ। अब गांव के ब्लॉग्स आने वाले हैं, एक दो दिन आपके लिए गांव के ब्लॉग्स आएंगे, तो देखिए मेरे ससुराल में कैसे क्या, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, क्या क्या काम करती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड बन गई है पकौड़ी, पकौड़ी इतनी बनाई है क्योंकि हम इतने लोग बनने वाले हैं, तो बन गई पकौड़ी। अब दही फ्रीज में रखा हुआ है, दही थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो भी दही के साथ सभी खाएंगे सभी फैमिली में। तो ठीक है हम ब्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं जैसे ब्लॉग के साथ, गांव के ब्लॉग के साथ देसी एकदम। तो अगर वीडियो अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सपोर्ट ऐसे बनाए रखना, और फिर मिलते हैं जैसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।